मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक नेता ठाकुरदास नागवंशी, जिनका नाम बताया जा रहा है, वो पहुंचे लोगों के दरमियान वोट मांगने के लिए, तो लोगों ने उनको खदेड़ना शुरू कर दिया। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं अभी, ये वीडियो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, साथ ही एक वीडियो और दिखाऊंगा, वो भी मध्य प्रदेश से सामने आ रहा है, जहां पे बहुत सारे नेताओं का लोगों ने पुतला जलाना शुरू कर दिया। और ये बीजेपी के खुद कार्यकर्ता है, क्यों ये सब कुछ करते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं, ये खबर मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दोनों वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, एक गांव जब पहुंचे ठाकुरदास नागवंशी वोट मांगने के लिए, तो लोगों ने खदेड़ना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ जबरदस्त विरोध किया गया खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। आप पहले दोनों वीडियो देखिए, इसके बाद खबर आगे चर्चा करते हैं। वापस जाओ, वीडियो देख लिया आपने। ये दोनों वीडियो मध्य प्रदेश का है। अब आपको बताता हूं कि असल में ये हंगामा क्यों हुआ। आपने पहला वीडियो जो देखा है, वो बताया जा रहा है कि ठाकुरदास नागवंशी, जो ये बीजेपी के नेता है, जो पहुंचे लोगों के दरमियान वोट मांगने के लिए, बताया जा रहा है कि इनके विरोध में पूरा गाँव को बंद कर दिया गया। और उसके बाद जब बीजेपी के ये नेता पहुंचे वोट मांगने के लिए, तो लोगों ने वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि काम कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब बीजेपी के नेता पहुंचे, तो वहां पे आपने देखा कि क्या हंगामा काटना लोगों ने शुरू कर दिया, वहां पे नारे लगाए गए बीजेपी के नेता के खिलाफ, उसके बाद वहां से उनको जाना पड़ गया। साथ ही आपको बता दूं कि बीजेपी के एक एमएलए है, जिनका नाम है संजीव सिंह संजू, इनका टिकट कैंसिल होने के बाद जो इनके सपोर्टर थे वो सड़कों पर उतर गए। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टेट प्रेसिडेंट बीडी शर्मा का, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान और साथ ही संजय सिंह संजू का भी पुतला जलाया यहां पे लोगों ने, क्योंकि बताया जा रहा है कि एमएलए संजय सिंह संजू का टिकट कैंसिल होने के बाद यहां पे उनके समर्थक जो है वो सड़कों पे उतर के जितने बीजेपी के बड़े बड़े नेता है उनका पुतला जलाना वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही शुरू कर दिया, जो आपने वीडियो में देखा है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पे आपको देखने को ये मिल रहा है कि पहले तो लोग खदेड़ रहे, बता रहे हैं कि काम कुछ नहीं हुआ, फिर वोट मांगने के लिए आए, उसके बाद बीजेपी के अंदर में ही आपको ये सब कुछ देखने को मिल रहा है कि कैसे खुद वहां पे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पुतले जलाए जा रहे, और जलाने वाले खुद बीजेपी के कार्यकर्ता है, क्योंकि मामला टिकट को लेकर है। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं इस खबर को, और मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।